छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जिनके थ्रू आप अपनी ओरल हेल्थ को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं और आपकी ब्यूटीफुल स्माइल हमेशा बरकरार रहेगी, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है ब्रशिंग। ब्रशिंग आपको दो बार करना है, सुबह और शाम को खाना खाने के बाद 2 मिनट के लिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, सेकेंड नंबर पर आता है गम मसाज। आफ्टर ब्रशिंग उंगली से गोल गोल घुमाते हुए मसाज करनी है अपने मसूड़ों की, जिससे आपके मसूड़ों का कलर सुंदर हो जाएगा और मसूड़े स्वस्थ भी होंगे और मजबूत भी हो जाएंगे। तीसरा आता है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग क्या होता है, हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करने की ब्रश जो होता है वो दांतों के बीच में सफाई उतनी अच्छे से नहीं कर पाता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं डेंटल फ्लॉसर, एक थ्रेड के तरीके का होता है, उसको दांत के बीच में डाल के उसको आगे पीछे अगर आप करेंगे तो दांत से गंदगी निकल जाएगी, तो जो बीच में कैविटी होने का डर होता है वो नहीं रहेगा। आजकल वाटर फ्लॉसर भी अवेलेबल है, ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है गार्गल। गार्गल यानी कि कुल्ला करना। जब भी आप खाना खाएं उसके बाद अच्छे से 1 मिनट के लिए मुंह में पानी घुमा के उसको थूकना है। उससे क्या होता है, जो भी आपके हिडन फूड पार्टिकल्स होते हैं वो मुंह से निकल जाएंगे। फिफ्थ नंबर पे आता है डेंटल चेकअप्स। हर 6 मंथ में आपके नियर बाय जो भी डेंटिस्ट है उनके पास जाके विजिट करें। उस टाइम पर अगर आपकी कुछ भी आपके दांत में डेंटल प्रॉब्लम जस्ट स्टार्ट हुई है तो वहीं पे ही कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के थ्रू उसको रोक दिया जाएगा और इसमें कॉस्ट भी कम लगती है, टाइम भी कम लगता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। जैसे कि जो वेजिटेरियन फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए, जो नॉन स्टिकी फूड है बर्गर वगैरह उसको अवॉइड कर सकते तो अच्छा है, नहीं तो कम खाएं, जितनी बार भी खाएं उसके बाद कुल्ला करें अच्छे से। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी जितना कम कर सकते हैं उतना कम पीजिए, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट आता है हैबिट्स, जैसे कि स्मोकिंग, टोबैको च्युइंग, तंबाकू जो खाते हैं वो सब नहीं खाना है। इसके दांत तो खराब होते ही हैं, इससे आपका शरीर भी खराब होता है। यकीन मानिए, अगर आप अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो दांत आपके पूरे शरीर का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे।